हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम भारत सिंह। टुडे आई विल टीच यू क्लास 12th इंग्लिश प्रोज, फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद अ बास्केट। इन लास्ट वीडियो आई टॉट यू टू हेयर, ओके, एंड टुडे आई विल स्टार्ट टू टीचिंग यू फ्रॉम हेयर। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। लेखक उस राज्य जिस रास्ते से गुजर रहे थे द रूट ले थ्रू में गुजर रहा था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, कि भारत की जो सबसे धनी कृषि क्षेत्र था उस क्षेत्र से होके वो रास्ता गुजर रहा था। दिस वॉज प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये गंगा नदी के समतल से एकदम प्लेन रास्ता, प्लेन मैदान था। 1000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और समुद्र के तल से हजारों फीट ऊंचा था, बट लेकिन ट्रॉपिकल, लेकिन काफ़ी गर्म था, उष्ण था, कटिबंध था। जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे वो रास्ता भारत की सबसे उपजाऊ, सबसे धनी कृषि का क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये ऊपरी गंगा का प्लेन मैदान था। 1000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और समुद्र के लेवल से तल से ये हजारों फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन बड़ा उष्णबंधीय और कटिबंधीय, इतना गर्म था, मुझे तो कहता काफ़ी गर्मी लगा। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, मतलब गंगा जो है उसमें भूरी मिट्टी आ गई थी। सोलन विद फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से काफ़ी वो उबाल आ गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा उबाल रही थी, मतलब काफ़ी अपनी जो उसकी बॉर्डर थे उससे भी ऊपर चल रही थी। इट्स ओवरफ्लो, ये ऊपर काफ़ी तेज, मतलब ओवरफ्लो, बहुत ज़्यादा भर के बह रही थी। इंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इंडेटिंग नष्ट करना था, थाउजेंड में हजारों एकर्स ऑफ राइस, और गंगा नदी के पानी ने हजारों एकड़ चावल की खेती को नष्ट कर दिया था, डुबो दिया था। इंडेटिंग मतलब डुबो देना, थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावलों की हजारों एकड़ खेतों को गंगा के नदी ने डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल, और उत्तर में जंगल था, मैंने नदी के उत्तर में क्या था, जंगल था। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल, और उत्तर दिशा में नदी के जंगल थे, काफ़ी विशाल जंगल थे, और ऑफ ग्रास हायर, और ऊंची ग्रास, काफ़ी ऊंची ऊंची घास थी। देन ए मैन सेड, जो किसी भी व्यक्ति के खड़े सर से भी ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्री, और जो कभी ना टूटने वाले पेड़ों के झुरमुट थे, काफ़ी संख्या में उस पर उधर पेड़ थे। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि रेलगाड़ी उस जगह से गुजर रही थी जहाँ भारत का सबसे अच्छी उपजाऊ वाला कृषि क्षेत्र था, और गंगा नदी के ऊपरी स्तर पर, ऊपरी सतह पर कई प्लेन मैदान था जो समुद्री तल से लगभग 1000 feet ऊंचा था, लेकिन काफ़ी गर्म क्षेत्र था। नदी में बाढ़ आई हुई थी, उसमें काफ़ी पानी था, वो अपनी
जो उसकी लिमिट थी उससे भी ज़्यादा ऊपर बह रही थी, और उसने वहाँ के हजारों एकड़ चावलों खेत को नष्ट कर रखा था, नष्ट कर दिया था। और गंगा नदी के उत्तर दिशा में काफ़ी जंगल था, और जंगल में आदमी के सर से ऊंची ऊंची घास थी, और बहुत ज़्यादा पेड़ थे, पेड़ों के झुंड थे। ओके स्टूडेंट्स, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबरास। और उस जंगल में, उस घास में टाइगर चीते के घर थे, एलिफेंट हाथी के घर थे, पाइथन अजगर एंड कोबरा। कोबरा सांप में पाइथन एंड कोबरा, एलिफेंट, टाइगर, इन सभी जानवरों के उस घास के अंदर घर बने हुए थे। वो सभी प्रकार के जानवर इस घास में रहते थे। एवरीवेयर एल्स, एवरीवेयर एज देयर वॉज ए फ्लैट एंड रनिंग फ्लैट लैंड एंड रनिंग टू द होरिजन वट डॉटेड हेयर एंड देयर वाई द सेक्रेट वलियान ट्री और वाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज शेप लाइक इम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक्स। एवरीवेयर एज, और इसके अतिरिक्त, देयर वॉज ए फ्लैट मैं समतल लैंड, जमीन थी, रनिंग टू द फ्रोजन होरिजन मतलब एक समतल, समतल 36 मैदान था। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, और दूर दूर तक इधर उधर, डॉटेड माने जगह जगह, वाई द सेक्रेट वलियान ट्री में, और जगह जगह पर पवित्र बरगद के पेड़ लगे हुए थे, और वाई रोज ऑफ पाकड़, और पंक्तियों में पिलखन के पेड़ थे, पाखड़ के पेड़ थे। शेप्ड लाइक इल्म्स, और उनका आकार ऐसा था जैसे कि इल्म का पेड़ होता है। हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक्स, और इनके ऊपर उन पेड़ों की ट्विस्ट मुड़ी हुई बड़ी बड़ी शाखाएं थी। एक समतल 36 मैदान था, और उस मैदान पर जगह जगह बरगद के पेड़ थे, और पंगतियों पर पिलखन के पेड़ थे, पाखड़ के पेड़ थे, और वो उनका आकार एक इल्म के पेड़ की तरह था, और उनकी जो भुजाएं, उनकी जो शाखाएं थीं, जो टहनियाँ थीं, वो काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई और विशाल थी, काफ़ी मोटी थी। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म ह्यूमिड एयर में नमी वॉज मूविंग बह रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से गर्म ऊष्ण हवाएं चल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में आए तक, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।